सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी, राग गोंड बाणे नाम देव जी की, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद, असमेद जगन तुला पुरख दाने, प्राग इस नाने असमेद जगन तुला पुरख दाने, प्राग इस नाने तो ना पुज है हर कीरत नामा, अपने राम भज रे मन आलसिया, रहाओ गवा पिंड भरता बनारस आस बसता, मुख वेद चतुर पढ़ता सगल धर्म अछता, गुर ज्ञान इंद्री दृढ़ता खाट कर्म सहत रहता, सिवा सकत संबादं मन छोड़ छोड़ सगल भेदं, सिमर सिमर गोविंदं भज नामा तरस भाव सुंदं, सिमर सिमर गोविंदं भज नामा तरस भाव सुंदं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पतत पावन भगत वछल करुणा निधान सर्व शक्तियां दे मालिक, राजान राज पहानान पहान देवान देव महान, धन धन शहीदां दे सरताज, शांति दे पुंज गुरु गरीब निवास सतगुरु साहिब श्री गुरु अर्जन साहिब महाराज पातशाह जी दे महान पावन स्थान गुरद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल विच अमृत वेले दे दीवान सजे दीवाना विच सबने मियां प्रेमियां तीर्थ यात्रियां ने अमृत बाणी श्री आसा जी दी वार दे कीर्तन सरवण कीते ने। धन धन सोढ़ी सुल्तान सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु रामदास साहिब पातशाह दे पावन सचखंड दरबार च अमृत वेले साहिबा ने मुखवाक हुक्मनामा साहिब बख्शिश कीता। श्री मुखवाक हुक्मनामा साहिब जी दी विचार कथा विचारां दा समां एकाग्र चित हो करके सब नेमी प्रेमी हाजिर होइए, गुरु चरणां च सुरत जोड़िए, प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत, प्रभु दी उस्तति करिए। संत जनो गुरमुखो गुरसिखो संतो मित्रो, पर सावधानता चेत दी एकाग्रता मन करके गुरु चरणां च हाजिर होइए।
शरीर करके कई बारी हाजिर भी, मन करके गैर हाजिर ने। सो सुरत नूं शब्द दी विचार नाल जोड़ के गुरु साहिबां दी बख्शिश, गुरु साहिबां दी नदर, गुरु साहिबां दी कृपा प्राप्त करिए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, राग गोंड बाणी नाम दे जी की। राग गोंड बाणी भगत नामदेव साहिब जी दी है। असल गौंड देखिए तां तनासरी, मलार, बिलावल, इना दे विच्चों खारो संकीरन जाति दा राग है। गुरबाणी विच श्री राग दा ये पुत्र मन्या, सोरट गौंड मलारी धुनी, पुन गावे आसा गुन गुनी। इस तरह सतगुरु महाराज कृपा कर रहे ने, सतारवां स्थान गुरु ग्रंथ साहिब विच गौंड राग दा है, पुरातन जाति दा राग है। इस राग विच सोडी सुल्तान गुरु रामदास साहिब जी दी बाणी, सतगुरु गुरु अर्जन साहिब सच्चे पातशाह जी दी बाणी, भगत कबीर साहिब जी, भगत नामदेव साहिब जी ते भगत रविदास साहिब जी दी बाणी है। अज दे श्री मुखवाक 873 अंग दे उपर सुभायमान ने भगतां नूं बड़ा मान दिता है। भगत मुख द्वारा उचारण कीती हुई बाणी सतगुरां ने मान बढ़ियाई भगत नामदेव साहिब जी नूं। ਇਹ ਪੁੰਡਰਪੁਲ ਇਲਾਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਦ੍ਰਿੜ ਭਰੋਸਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਸਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਭਗਤ ਜੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗਿਓਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਣ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ, ਭਗਤ ਜੀ ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਜਾਗ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਦੱਸਿਆ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਾਨ ਦਾ ਫਲ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਮਿਲਦਾ, 70 ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦਾਨ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਕਈਆਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਾਗਰਾਜ ਤੀਰਥ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਰਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੁਲ ਕਛ ਅਵਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਏ। ਨਾਮ ਦੇ ਤੁਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਮ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ
नितनेम दिया बाणी आपने सरवण करनी आ। रहरा साहब दा पाठ कीर्तन सुहेला जरूर सरवण करना, जे नई बाणी पढ़नी आउंदी सवा घंटा सवेरे मूल मंत्र साहिब जी दा गुरमंत्र वाहिगुरु गुरमंत्र है जप होमै खोई, वाहिगुरु गुरमंत्र दा जाप करो सवा घंटा शाम नूं करिया करो। जो नितनेम करदे आ उहनां वास्ते भी लाजमी है, तां 24 घंटिआं दा दसवंध ही है, इन्ना तां इन्ना जरूर कढ़ना है। नेम बनाइए, गुरमंत्र मूल मंत्र दे अभ्यासी होइए, गुरु चरणा च सुरत बिरत नूं जोड़िए और ध्यान नूं खेडण ना देइए। गरीब निवाज कृपालू दाता जी ने जिथे नेम दे नाल जुड़न वास्ते किया, गुरसिखां दा बड़ा नितनेम, पुरातन गुरसिख पांच ग्रंथी दा नितनेम पूरा कर लैंदे, 22 भगतां दी बाणी तक दा नेम भी कई गुरसिखां दा। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਖਿੰਡਣ ਨਾ ਦੇਣੇ। ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਨੂੰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਆਖਦੇ ਆ, ਨਾਮਾ ਕਹਿ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਹੱਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੇਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਐ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ नामदेव साहब आखदे है मुख तो राम नू याद करिया कर, राम रमे हुए परमात्मा नू याद करिया कर, हत्था पैरां नाल सारे काम कर पर चित कदे भी टुटण ना दई, सुरत नू कदे भी प्रभु दे चरणा चों लांभे ना होण दई। चेत निरंजन नाल आपां कीर्तिए आ सफर करदे आ, किते भी जा रहे आ, जिन्ने घंटे असीं जाइए कुछ होर सुनन दे बजाए पाठ सुनिया करिए, सिमरन भगती कीर्तन सुनिया करिए, कथा सुनिया करिए, अपनी किरत कर रहे हैं भावें वह खेती करनी, हल बाउणे, हार्ड वर्क भावें करिए, भावें दुकान ते बैठे होइए, किते भी किरत कर रहे हो, किरत विच इन्ना ना खुब जाई सिखा भी परमात्मा ही भुल जावे तन। चित दे विच सिमरन हमेशा गुरसिख तेरे चलदे रहना चाहीदा, ऐसा जीवन बनाइए गुरु दे चरणां च। ते भगत जी आखदे नाम दे समान कुछ नहीं आ। श्री सुखमनी साहब की बाणी मैं अर्ज करदा, गुरसिख पढ़दे आ कई नेम विच, ते दूसरी अष्टपदी श्री सुखमनी साहब जी दी, जे मात पिता सुत मीत ना भाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई, जय महाप्यान दूत जम दल तह केवल नाम संग तेरा चले, जय मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम खिन माहे उधारी, अनक पुनः चरण करत नी तरे, हर को नाम कोट पाप पर हरे, गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो हो सुख कनेरे। नाम ऐ मना जदों तू मुख अपना गुरु वाल करके जपें, गुरमुख बन के नाम जपें, जिन्हां सुखां नूं तू दुनिया च लभदा फिरदा वह घनेरे सुख बहुते सुख अपने आप तैनूं प्राप्त हो जाने हैं। जिस राह विच कोई तेरा सहायक नहीं है, सब तो नज़दीक माँ बाप है, भैन भाई है, पति पत्नी है, पुत्र धीआं ने, सब तो नेड़े इह ने, जिथे भी तेरे नाल ना होण उहदे नजदीक नाम है। इसे करके क्या नाम दे तुल कुछ होर नहीं है। ते भगत साहब अपने मन नूं ही संबोधन कर रहे ने, अपने मन नाल ही गल्लां करदे ने। कई वारी भगत साहिबान विचार किसे नूं समझाउण वास्ते अपने आप नाल गल्लां करनियां, ए मना जे तू आ ना करेगा तो आ सजा मिल जानी है तेन, वो मना जे तू ए ना करे तो आ दुख तेन मिलेगा। इनू कहिंदे उत्तम विचार, एक मध्यम विचार है, एक कनिष्ठ विचार है, एक उत्तम विचार है।
उत्तम विचार अपने ते गल ढाल के जिवें भाई गुरदास साहिब कहिंदे आ कहिंदे मैं दोषी भी हाँ अपराधी भी हाँ गुनाहगार भी हाँ बेमुख भी हाँ मंदा भी हाँ जबकि भाई गुरदास कुछ भी नहीं इन्हां च पर उन्हां कहा हो अपराधी गुनाहगार हो बेमुख मंदा उत्तम विचार है ना है दूजे नूं समझाउण वास्ते गल अपने उत्ते ढालनी अपने उत्ते गल लिआउणी मैं अपराधी हाँ मैं गुनाहगार हाँ मैं बेमुख हाँ मैं मंदा हाँ चोर जार जुआर हो पर कर जो हंदा मैं चोर भी हाँ मैं जार भी हाँ जुआर जुआरी भी हाँ पर आए घर भी तकदा निंदक दुष्ट हराम खोर ठग देश ठगंदा मैं निंदक भी हाँ मैं दुष्ट भी हाँ मैं हराम खोर भी हाँ मैं ठग भी हाँ लोगों नूं ठगी जा रहा विश्वास घाती किड्डा वड्डा मैं अकिरत घण विश्वास नूं खत्म कर देण वाला अकिरत घण हाँ मैं को ना रखंदा मैनूं तां कोई रख ही नहीं सकदा सब कुछ अपने उत्ते ढाल करके सारिआं नूं समझा के दित्ता बे जे कमी किसे दे विच है तो गुरु दे चरणां च आ अरदास करनी पातशाह मेरी कमी है कढ दिओ तुसीं सिमर मुरीदां ढाडी आ सतगुर बख्शन दा आप बख्शन दो आप कृपालु हो बख्श देण वाले हो बख्श लो कोट पराध हमारे खंडो अनक विधि समझावो हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम आपन बिरद रखाओ करोड़ा साडे अपराध खंडन कर दिओ इउं अरदास गुरु चरणां दे विच अपने मन नूं संबोधन करदे बाणी कहिंदी है प्रथम है मन प्रबोध है अपना पाछे अवर रिझावे याद रखी जिन्ना चिर तेरा अपना मन नहीं प्रबोधया गया अपने मन नूं नहीं समझ आई दूजे ने भी कदे रीझना नहीं है पहला अपने आप नूं समझाना है शुरुआत अपने तो कर फिर दूजा भी रीझ जाएगा प्रसन्न हो जाएगा तो भगत नामदेव साहब अपने मन नूं संबोधन करके पावने शब्द उचारण करते हैं गौड राग विच बाणी भगत नामदेव जी दी है घर पहला ये पहले घर सुरताल दे विच पावन शब्द नूं गाउण दा हुकम पातशाह दा है एक ओंकार एक अदुती स्वरूप ब्रह्म एक ही है साहिब मेरा एको है एको है भाई एको है ए वस्तु निर्देशक मंगल बीज मंत्र उचारण किया इत्थे परमात्मा एक है दो ता है ही नहीं कोई बोले निर्वा कोई बोले दूर इंज कह लो बे कोई बोले राम राम कोई खुदाए को सेवा गुसैया कोई अल्लाह है नाम अनेकां ने रूप भी अनेकां सरगुण स्वरूप दे विच निर्गुण दे विच तां निरूपण है निर्गुण निरूप हो के सुंदर स्वरूप हो दो स्वरूप करते ना एक निर्गुण स्वरूप है एक सरगुण स्वरूप है सतगुरां ने ते एक रूप होर भी दसिया भाई नंद लाल साहब नूं रहत नामिया च दसदे आ तीन रूप है मोहे के सुनो नंद चित लाए निर्गुण सरगुण गुर शब्द कहो तोहे समझाए भाई नंद लाल तीन रूप ने एक तो मेरा रूप निर्गुण है ओदा निरूपण ही नहीं किया जा सकता निर्गुण स्वरूप का निरूपण किवें करांगे ना कोई चक्कर ना कोई चेहन ना कोई बारन ना कोई जात है चक्कर चेहन अर बारन जात अर पात नेहन जे रूप रंग अर रेख पेख को कह ना सकत के अचल मूरत अनुभव प्रकाश समी तोज कहिज कोट इंद्र इंद्राण साहे साहन गणिज त्रैपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत त्वा सर्वनाम कथे कवन कर्म नाम बलन सुमत कौन निर्गुण स्वरूप च कौन निरूपण कर दे सरगुण स्वरूप दे विच नाम भी अनेकां ने
रूप भी अनेका ने, कहन ना जाई तेरे गुण केते, पातशाह ये भी नहीं किया जा सकता गुण तुहाडे किन्ने क ने। साडे कोल एक जबान है, तुहाडे गुणा का अंत ही कोई नहीं है। बेअंता बेअंत गुण तेरे केतक गावा राम, किन्ने क तुहाडे गुणा नूं गायन करिए। एक रूप एक तो फिर अनेक स्वरूप, फिर सब गोबिंद है सब गोबिंद है, सरगुण विच तां फिर तू ही तू तू ही तू, होर कुछ है ही नहीं। जिन्ना चिर मैं है उन्ना चिर तू नहीं, पर जिन्ना चिर मैं है उन्हों तू नहीं। जे मैं खत्म हो जावे फिर की है, तू ही तू है तू ही तू है। ये मैं तीन रूपां दी गल रहतनामिया च कीती है, किंदे वे एक निर्गुण स्वरूप है, एक सरगुण स्वरूप है, एक गुरु दा शब्द रूप है। मैं बेनती करा हर एक माई भाई नूं रहतनामे जरूर पढ़ने चाहिए। जो बचन रहतनामिया विच भाई चौपा सिंह दे, भाई देसा सिंह दे, भाई नंद सिंह दे, नंद लाल जी जिन्हां नूं आपां कहिंदे आ, भाई दया सिंह साहब दे रहतनामे ने सारे कट्ठे रूप दे विच मिल जांदे आ, समझ आ जांदी आ गुरु साहिबां ने की राह दस्या ई, असीं कित्थे खड़े होए आ, किते कुताही तां नहीं वरतदे। जो सतगुरां ने सानूं उपदेश दित्ते ने उस उपदेश तों किते बाहरे तां नहीं तुरे फिरदे। ये रहतनामे पढ़ के समझ आवेगी, सारे पढ़िया करो रहतनामे। साहिब कहिंदे ने एक सरगुण स्वरूप एक निर्गुण स्वरूप दो हो गए, तीजा गुरु शब्द रूप है, मेरा शब्द गुरु रूप है। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, ये तीसरा मेरा रूप है। वैसे शब्द निरंकार रूप है। बाणी दे विच एक श्लोक होर विचारीए, साहिब कहिंदे ने सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप, ये स्वरूप कथन किते हुए ने। निराकार गुरु शब्द है, शब्द का आकार बहुत बड़ा है। सारी सृष्टि कुल खलकत तमाम जीव जंतु शब्द विच लीन हो जाते, ऐसा गुरु का शब्द है। साहब कहिंदे ने उस सरगुण स्वरूप दे बेअंत रूप ने, है परमात्मा एक है। जदों एक तो मैं बहुते होवां दा फुरना बनिया, फिर खलकत संसार सब सामने आ गया। जब उद करख करा करतारा, प्रजा धर तब दे अपारा, जब आ करख करत हो कब हूं, तुम मैं मिलत दे धर सब हूं। जदों करतार ने आख्या वे एक तो मैं बहुते हो जावा, फिर प्रकृति औंद विच आ गई। इस वास्ते परमात्मा नूं एक मनो। वैसे कहिंदे ते आपां सारे हां सबका मालिक एक है, मानदे नहीं। कहिंदे ने इह राम कहता ते अपना नहीं, जे अल्लाह कहता ते के होर दा आ गया, खुदा कहता होर किसे दा होया, गॉड कहता ते होर किसे दा होया, वाहगुरु कहता ते इह कहिंदे सिखां दा है वाहगुरु, तां मानदे क्यों नहीं। निर्गुण स्वरूप दा जो सरगुण स्वरूप, उस दे नाम ने सारे। महाराज तो फर्क रख दे नहीं, सत युग तै माण्यो छल्यो बल बावन पायो, त्रेता तै माण्यो राम रघुवंश कहायो, द्वापर कृष्ण मुरार कंस किरतारथ कियो, उगर सैन को राज अभय भगत जन दियो, कलयुग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो। ये सारे स्वरूप पार ब्रह्म परमेश्वर दा रूप एको ही है। एक तो ही फिर अनेकां बन गए, अनेकां नाम भी अनेकां रूप भी अनेकां गुणा दा भी अंत कोई नहीं। इस वास्ते त्रेठ किस्म दे भेद जो पै चुके सन, ओंकार शब्द सतगुरां ने एक लिख के सारे मिटाते ने। एक जड़ा ना गिनती दे विच है, ये चेता रखियो।
जे ईड़ी नूं सिहारी लिख के कक्का लिख दिंदे वह भी एक ही बनता, वैसे कक्के औंकड़ पा लो भी एक ही बनूगा। ईड़ी नूं सिहारी कक्के नूं सिहारी लिख दे पढ़न च वह भी एक ही रहना, पर मुड़ के भेदवादी ने कहना सी तुहाडे तां एक विच ही रलावट है। सतगुरां ने जिहड़ा मैथ लिपी है साडी गिणती गणित उहदे चों एक लिखिया इत्थे, इहनूं पलटा ही नहीं कोई सकदा, इहदे अर्थ दो कीते ही नहीं जा सकदे, इहदे च कोई भेद नहीं रखिया, एक लिख दो। फिर एक संकेत लिपि भी इत्थे वरत दित्ती है, अर्ध बिंदु आकार जिहड़ा बनिया होया, इह अर्ध बिंदु आकार की है, इह सारा करदा है। दूजा मौखिक लिपि है, अखर लिपि जिहनूं आपां कहीए, जिहड़ा ऊड़े दा मूँह खुला इहनूं होड़ा कहीदा, मुहारनी जदों संप्रदावां च पढ़ाउंदे आ जिहड़ा उपर नूं मूँह खुला ऊड़े दा होवे उहनूं ऊड़े नूं होड़ा पड़ा के ते पड़ी दा प्रोनंसिएशन उहदी आ ओ, ऊड़े होड़ा की हुंदा ओ। जिहड़ा एक अद्वितीय स्वरूप ब्रह्म है, सुजाति विजाति स्वगत भेद तों रहित, ओंकार सर्वदा प्रकाशक है। ओंकार उच्चारण मात्र से रक्षा करने वाला, ओंकार उत्पत्ति का कारण है, ओंकार ही एक है। सतगुर प्रसाद कई काल बाद तुम सत तुम चेतन तुम आनंद तुम, यह अर्थ हो गए। तिना समया विच आबाद स्वरूप कट्टण तो रहत, झगड़िया बाद नाम झगड़िया का, झगड़िया तो भी आ रहत, बाद नाम कट्टण दा है कट्टण तो भी रहत। सत तुंग सत स्वरूप, चेतन स्वरूप, आनंद स्वरूप, सत अविनाशी रूप है। गो नाम गिरता तू तो है, गिर नाम पहाड़ दा भी है, गिर नाम निगल जान दा भी हुंदा है। गिर धातु तो होने करके अग्ञान दे ताई निगल गए तरो प्रकाश, गुरु नाम बड़े दा भी है। सो इस करके सतगुरु, गुरु दे गुरु नूं भी सतगुरु कहीदा, सच्चा गुरु नाश तो रहत अविनाशी गुरु, प्रसाद नाम कृपा दा, प्रसाद नाम खुशी दा, प्रसाद नाम आनंद दा, एक अद्वितीय स्वरूप ब्रह्म सतगुरां दी कृपा द्वारा प्राप्त हुंदे हन। अश्वमेध जग ने इत्थे हुण अश्वमेध जग, घोड़ा छड्ड दिंदे हुंदे सीगे, घोड़ा जिधर नूं चलिया जावे मगर मगर फौजां जांदियां, जे कोई नूं फड़ लवे उहदे नाल युद्ध करदे सी, ते जे युद्ध जित गया उहनूं फिर इह जग विच शामिल होना पैंदा सीगा, उहदा राज सारा ही खो लिया जांदा सी। एक साल तक घोड़ा फेरना, एक साल तक इहो जिहे जग बनाए होए सनगे, तो घोड़ा साल बाद वापस मोड़ लिआउणा, जे किसी ने पकड़ लिया फिर उस दे नाल युद्ध करना, लड़ाई करनी, जित गए ते जिधर जिधर वह घोड़ा लंघदा सीगा जिहदे मर्जी राज चों उहनूं खुल्ला छड्डिआ हुंदा सी, ओह जिहदे मर्जी राज चों घोड़ा निकल जावे वह राज हड़प कर लिया जांदा सीगा। उस तों बाद घोड़े दे चार टुकड़े करके, एक दा हवन करना, एक छत्रियां नूं दे देना, एक ज्ञातियां नूं अपणियां नूं दे देना, एक शूदरां नूं बंड दिंदे, इदां घोड़ा मार दे। किड्डा महापाप सीगा, अश्वमेध जग करना, भूमेध जग करदे सब राजिआं नूं जितण तों बाद, होर भी बहुत सारे रीत लोक इस तरह दे जग ने जग करदे आ, पर नाम दे तुल नहीं है भी। इन्हें राज भाग प्राप्त कर लेने नाम दे एक किणका जिन्ना भी नहीं, तां करके अश्वमेध जग, घोड़े दे मेदे दा जग करना, घोड़े नूं वढ करके जग करना, फिर भी वह संपूर्ण होवे कि ना होवे पता नहीं। द्वापर युग विच कीता सी पांडवां जदों जग कीता, द्रोपदां दे मन च संशय आ गया, बाल्मीक जी बुलाए, पहलां तो बेनतियां कर कर लेके आई,
फिर उन्हें लूणे सलूणे सब कुछ एक विचे मिक्स कर छड़िया, मन च शंका आ गया इलै और ना फिर नीवे का नीवाई आ मन च शंका आ गई। शंका दूर करने वास्ते फिर कृष्ण जी महाराज कह लगे वाल्मीकि जी महापुरख आ की कीता जी, कहिंदे महाराज हुण मैनूं पता नहीं तुसीं भोग किद्दां लाउणा, सारा कुछ मिक्स करता ते सर्व व्यापक होके भोग ला लो, फिर जाके जग संपन्न होया। इस तरह ये अश्वमेध आदि जग करते, लोग इस तरह के जग करते हन। तुला पुरख दांडे, तुला तकड़ी दे पलड़े ते बैठ करके ते अपने बराबर आप बराबर कंचन दीजिया, सोना दान करना, चांदी दान करना, हीरे जवाहरात दान करने, एक इदा दान सी, एक मंत्रां दे धातुआं दे नाल पुरख बना करके पुरख दान, तो पुरख बना करके उहदे मुड़के हथ पैर अंग प्रतंग वड करके अपने जिन्ना दान करना, इस तरह के दान लोग करते। प्राग इस नामे, तीसरा वचन है प्राग तीर्थ राज, जिहड़ा इलाहाबाद कहिंदे प्राग राज, उत्ते त्रिवेणी संगम दे विच जा इस्नान करना। तो ना पुज है हर कीरत नामा, भगत जी कहिंदे वाहिगुरु परमेश्वर दी कीर्ति बराबर तां भी नहीं पुज सकते। तीन दृष्टान दे ते असमेत जग करोना, तुला पुरख दान करना, प्राग राज दे स्नान कर लैणे आ, माघी आदिक दे विच बहुत करदे आ, वाहिगुरु दी कीर्ति परमात्मा दे नाम दे बराबर तां भी नहीं पहुंच सकता। तां ना पूजे, भावें लखां रुपया खर्च करके इन्ना कुछ करे, इन्ना दान भी करे, असमेत जग आदि भी करे, नाम दे तुल फिर भी नहीं। नाम एडा श्रोमणी है, इसे करके हजूर कहिंदे आ सब कुछ नाम दे आसरे विच है, प्रभु दे परमात्मा दे नाम दे आधार विच है। तउ ना पूजे तां भी वाहिगुरु परमात्मा दे नाम तुल बिलकुल नहीं पहुंच हो सकती। वाहिगुरु दी कीर्ति नाम दे बराबर भगत नामदेव साहब कहिंदे नहीं पहुंच सकदा। अपने रामै भज रे मन आलसिया, ऐ मेरे आलसी मना, वाहिगुरु परमात्मा राम रमिया होया, परम पिता वाहिगुरु जर्रे जर्रे विच कण कण दे विच समाया होया, आदि पूरन मद पूरन अंत पूरन परमेश्वर है, सिमरंत संत सरबत रमण, नानक अगनासन जगदीश्वर है, पेखन सुनन सुनावनो, मन में दृढ़ी है साच, पूर रहो सरबत्र मैं नानक हर रंग राच, हर एक निरंजन गाई है सब अंतर सोई, कारण कारण समरत प्रभ जो करे सो होई, खिन मैं थाप उथाप दा तिस बिन नहीं कोई, खंड ब्रह्मंड पाताल दी प्रव्या विच लोई, जिस आप बुझाए सो बुझ सी निर्मल जन सोई। ए आलसी आदमी, ऐ मेरे आलसी मन, क्यों नहीं तू वाहिगुरु दा भजन करदा, अब न भजस भजस कब भाई, आवे अंत न भजिया जाई, जे हुण नहीं तू जपदा कदों जपेगा भरावा, अंत आवेगा तेरे कोलों जपया नहीं जाना। हुण जप लै, उन्ना चिर सिमरन बंदगी कर, कर बंदे तू बंदगी, जिचर घट मैं सौ, जिन्ना चिर तेरे घट हिरदे विच सवा प्राण चल रहे सवा चलदे आ, उन्ना चिर भजन कर, परमात्मा दी इबादत कर, बंदगी करिया कर, सिमरन भगती कर, आलस क्यों इन्ना करदा रहिंदा। शास्त्रा ने तां इह वचन किया, सुखी ब्यादी आलसी कुमत रसक बहु सोए, ते अधिकार ने शास्त्र को खट दोखी जन जोए। आलस होना भी एक दोख है बहुत बड़ा, सुखी होना भी दोख दसिया, व्याधी बीमार होना भी दोख है, आलसी कुमत खोटी मत होनी भी दोख है, रस के स्वादां दे विच लग्या रहना भी दोख है, बहुत सोए बहुता सोण वाला आलसी, मैनूं ते अधिकार ही नहीं दिता, कि शास्त्र ने अधिकार नहीं दिता, यह आलस छड, आलस नूं छड करके, आलस छुटेगा ते अमृत वेला संभालेगा, जे आलसी नहीं छड्डदा ते अमृत वेला किवें संभाल लवेगा। आलस छड, आलस छड्डेगा ते जिंदगी बचा लेगा,
ਤੇ ਆਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਸੁੱਤਾ ਉਮਰਾਂ ਹੀ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ, ਬੈਠਤ 12 ਚਲਤ 18 ਸੋਵਤ ਚਾਲੇ 30 ਏਦਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆਲਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਆਲਸੀਆ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ, ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੇ ਭਗਤ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਪਰਤਾ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆ, ਜੋ ਗਿਆ ਸੁਰਦੈਂਤ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਬੜਾ ਜਪ ਤਪ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਮੁੜ ਕੇ 125 ਯੋਜਨ ਲੰਬਾ ਤੇ 60 ਯੋਜਨ ਚੌੜਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰ ਲੈ ਲਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਦਾਨ ਮੰਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੜ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਚੌਲਾ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਪੇੜੇ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗਿਆ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਭਰਨੇ, ਬਨਾਰਸ ਆਸ ਦਸਤਾ, ਬਨਾਰਸ ਇਹ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਰਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਰਵਤ ਗੁਰੂ ਗਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ ਆਪਣੀ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 1,00,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਿਵਾਇਆ, ਹੜੰਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਲਿਆਣ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੁਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਲੋਕ ਜਾ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਾਸ਼ੀ 'ਚ ਵਸਣ ਲੱਗੇ। ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਾਨਾ ਤੇ ਰਸੀ ਦੋ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਨਗਰ ਹੈ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕਰਕੇ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਮੁਖ ਵੇਦ ਚਤੁਰ ਪੜਤਾ, ਚਾਰ ਵੇਦ ਰਿਗ ਵੇਦ, ਜੁਜਰ ਵੇਦ, ਸ਼ਿਆਮ ਵੇਦ, ਅਥਰਵਣ ਵੇਦ, ਚਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ 80,000 ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਹੈ, 16,000 ਉਪਾਸਨਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸ਼ਰੂਤੀਆਂ ਨੇ, 4,000 ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੂਤੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਪੜੇ, ਚਤੁਰ ਇੰਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਬੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੱਲ ਕਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਚਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਗਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇ, ਏਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਸਗਲ ਧਰਮ ਅਚੁੱਤਾ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿ ਕਰਨਾ, ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ, ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋਵੇ। ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਅਪਰੋਖ ਵੱਡਾ, ਗੁਰੂ ਵੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਪਰੋਖ ਗਿਆਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਗਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੋਵੇ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ ਹੋਏ। ਜਿਨ ਮਿਲ ਮਾਰੇ ਪੰਚ ਸੂਰ ਵੀਰ, ਸੋ ਐਸਾ ਕੌਣ ਬਲੀ ਰੇ, ਜਿਨ ਪੰਚੇ ਮਾਰ ਗੁਦਾਰ ਵਿਦਾਰੇ, ਸੋ ਪੂਰਾ ਇਹੋ ਕਲੀ ਰੇ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਏ। ਇਹ ਜੋ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕੀਤੀ, ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਨਾ ਤੱਕੇ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਵੀ ਨਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਵੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਮੇਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਖਟ ਕਰਮ ਸਹਿਤ ਰਹਤਾ, ਛੇ ਕਰਮ ਕਹੇ ਨੇ, ਤਪ ਕਰਨਾ, ਜਗ ਕਰਨਾ, ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਅਥਿਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਅਰਚਾਨ ਕਰਨਾ, 6 ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਦਾਨ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਆਦਿ ਕੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ 6 ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਿਵਾ ਸਕਤ ਸੰਵਾਦੰ, ਸਿਵਾ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ, ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਰਵਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਵਚਨ ਮਿਲਾਸ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਵੇ। ਅਥਵਾ ਸੇਵਾ ਨਾਮ ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਸਰੂਪ ਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੀ ਸੰਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਯਾਦ ਕਰ ਲਵੇ। ਮਨ ਛੋੜ ਛੋੜ ਸਗਲ ਭੇਦੰ, ਮਨ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਤ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਛੱਡ ਦੇ ਮਨਾ, ਛੱਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਭੇਦ ਨੇ, ਇਹ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਨੇ ਨਾ, ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਭਰਨਾ, ਬਨਾਰਸ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣਾ, ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਗਰ ਕੰਠ ਕਰ ਲੈਣਾ,
ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਅਪਰੋ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਛੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅਸੁਮੇਧ ਜਗ ਕਰਾਉਣੇ ਤੁਲਾ ਪੁਰਖ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਾਗ ਰਾਜ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹਨੇ ਭੇਤ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਐ ਮਨਾ ਛੱਡ ਉਹ ਮਨਾ ਛੱਡ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਕਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਗੋਬਿੰਦੰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋ ਪ੍ਰਥਿਵੀ ਦੇ ਬਿੰਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ ਜੋ ਸਿਮਰਨੇ ਯੋਗ ਹੈ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਗੋਬਿੰਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜ ਨਾਮਾ ਤਰਸ ਭਵ ਸਿੰਦੰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਪੇਗਾ ਫਿਰ ਤਰ ਜਾਵੇਗਾ ਭਵ ਸਿੰਦੰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਵੇਗਾ ਭਜ ਨਾਮਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਖਦੇ ਭਜ ਜਪਣਾ ਹੈ ਨੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣੇ ਜੇ ਜਪੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨੀ ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬਚਨ ਪੈ ਹੈ ਚੌਦਹ ਲੋਕ ਜਾਏ ਬਸ ਕੀਨੇ ਤਾਂ ਤੇ ਕਹਾਂ ਪਲੈ ਹੈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਉਬਾਰ ਨਾ ਸਕੈ ਜਾਕਰ ਨਾਮ ਰਟੈ ਹੈ ਇੰਦਰ ਫੁਨਿੰਦਰ ਮੁਨਿੰਦਰ ਕਲਪ ਬਾ ਧਿਆਵਤ ਧਿਆਨ ਨਾ ਐਹੈ ਜਾਕਰ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨ ਜਨੀਅਤ ਸੋ ਕਿਮ ਸ਼ਿਆਮ ਕਹਿ ਹੈ ਛੁਟੋ ਕਾਲ ਜਾਲ ਤੇ ਤਬ ਹੀ ਤਾਹੇ ਤਰਨ ਚਰਨ ਲਪਟੈ ਹੈ ਭਜ ਨਾਮਾ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪੇਗਾ ਤੇ ਤਰ ਜਾਵੇਗਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਲੜੀਵਾਰ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਭੇਖ ਕਰੇ ਖਿੰਤਾ ਬੋ ਥਟੂਆ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਗਏ ਸਨਗੇ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਗ ਪ੍ਰਬੋਧੈ ਮਣੀ ਵਧਾਵੈ ਆਸਣ ਤਿਆਗ ਕਾਹੇ ਸੱਚ ਪਾਵੈ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਵਾਂ ਬੰਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭੇਖ ਕਰੇ ਬੜੇ ਭੇਖਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਿੰਤਾ ਗੋਦੜੀ ਪਹਿਨ ਲੈਣੀ ਆ ਬੜੇ ਠਾਠ ਬਣਾਉਣੇ ਬੋ ਖੇਲ ਖੇਲੈ ਬੋ ਨਟੂਆ ਨਟੂਆ ਹੁੰਦਾ ਬਾਜੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਾਜੀਗਰ ਬਾਜੀਗਰ ਡੰਕ ਵਜਾਈ ਸਭ ਖਲਕ ਤਮਾਸ਼ੇ ਆਈ ਤੇ ਝੂਠਾ ਜੋ ਖੇਲ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਭੇਖ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਨਟ ਦੀ ਬਾਜੀ ਵਾਂਗੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਾ ਇਹ ਝੂਠੇ ਖੇਲਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਅੰਤਰ ਅਗਨ ਚਿੰਤਾ ਬੋ ਜਾਰੇ ਅੰਤਰ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਤਿਓ ਮਾਇਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਅਗਨ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਚਿਖਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤਾ ਸਾੜ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਰਮਾ ਕੈਸੇ ਉੱਤਰ ਸਪਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੋ ਜੋਗੀਓ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਤਰੋਂਗੇ ਮੁੰਦਰਾ ਫਟਕ ਬਣਾਈ ਕਾਨ ਫਟਕ ਬਲੌਰ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾ ਕੰਨ ਪਾੜ ਕਰਕੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਆਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਵਿਦਿਆ ਵਿਗਿਆਨ ਗਿਆਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਕੋਈ ਨੀ ਵਿਦਿਆ ਜੋ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਤੀ ਤੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੁਹਵਾ ਇੰਦਰੀ ਸਾਧ ਲੁਭਾਨਾ ਜਪਾਨ ਰੂਪੀ ਇੰਦਰੀ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਛਕ ਲਾਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਇਹ ਸਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਰੱਜਦੀ ਨੀ ਕਦੇ ਜਬਾਨ ਸਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਭਾਏ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਬਣਿਆ ਜੁੜਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਗੀ ਕਹੁੰਦਾ ਪਸ਼ੂ ਭਏ ਨਹੀਂ ਮਿਟੈ ਨਿਸਾਨਾ ਗਿਆਨ ਬਸ ਹੋ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਭਿਆ ਅਗਿਆਨੀ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਇਹ ਕਰਮ ਲੇਖ ਭੋਗੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਟਣੇ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰਿਪਦ ਲੋਕਾ ਤ੍ਰਿਪਦ ਜੋਗਾ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਕਨਿਸ਼ਟ ਉੱਤਮ ਮਾਧਿਅਮ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪਾਸੇ ਜੁੜੇ ਆ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਬਿਰਤੀ ਤਾਮਸੀ ਬਿਰਤੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਜੋਗਾ ਇਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੈ ਚੂਕਸ ਸੋਗਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਵੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਜੋ ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਵੇ ਤੇਰਾ ਸੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਲ ਸਾਚ ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਸੋ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾਏ
फिर मुख उजला हो जाता है। योगी जुगत विचारे सोए, जो आत्म ज्ञान दी जुगत है, जुड़न दी जुगत है, इसनु विचारे। तुझ पाह नौ निद तू करना जोग, पदम नील मकरा जेड़े नौ निधियां कहिया महाराज तुहाडे कोली ने, आप कृपा करके तुसी सब कुछ करन योग हो, समर्थ गुरु हो जी। थाप उथापे करे सोहोग, मैं थाप उथाप नारा छिन विच थापियां नू ला दंदे, लाया नू थाप दंदे हो, जो करो ही हुंदा है। सत सत संजम सच सुचीत, रहना सत प्रतगी रहना, संजम दे विच रहना, ते इंद्रियां नू काबू विच रख करके रहना, हिरदे विच चित दे विच वाहिगुरु परमात्मा नू बसाउणा। नानक जोगी त्रिभुवन प्राप्ति करदियां होया शब्द दी आखदे ने, ऐसा जेड़ा जोगी है ओदा फिर मित्र तिन्ना भवना दा मालिक वाहिगुरु बन जांदा। जे जोगी ए उपदेश नू कमा लवे ते फिर तिन्ना भवना दा मालिक वाहिगुरु तेरा मित्र बनेगा, तिन्ना भवना दे विच सारे तेरे नाल मित्रता प्राप्त कर लैणगे। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਖਮ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਕ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਅਤਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਜੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੱਠ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਥਾਪ ਉਥਾਪੇ ਕਰੇ ਸੋਗ, ਜਤ ਸਤ ਸੰਜਮ ਸੱਚ ਸੁਚੀਤ, ਨਾਨਕ ਜੋਗੀ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮੀਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।